शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपका भक्त आपका आवाहन करता हूँ, आइए मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाएं, अपनी दिव्य कृपा अपनी दिव्य विशेष आशीर्वाद मुझे प्रदान करके सभी भक्तों का कल्याण कर दें। समस्या कैसी भी हो, कितनी भी विकट हो, अवश्य ही गुरु जी के चरणों में जब अर्जी लगती है तो सभी कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। जीवन में प्रिय दर्शकों, बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल देते हैं। गुरुदेव भगवान शिव के ही अंश हैं, उन्हीं का ही अवतार हैं, उन्हीं का ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है उन पर भी गुरु जी की विशेष कृपा रहती है। जब भी आप शिव पूजन करें मन में शुक्राना अवश्य बोलें, और यदि आप रोगों से बीमारियों से पीड़ित हैं तो रोजाना मंदिर में जाके शिवलिंग पे थोड़ी काली मिर्च चढ़ानी शुरू कर दीजिए। इससे बड़े बड़े भयानक रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि व्यक्ति हर शनिवार को सरसों का तेल शिवलिंग पे चढ़ाए या सरसों के तेल से अभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, इससे समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि व्यक्ति शिवलिंग पे थोड़ी शक्कर नित्यदिन चढ़ाए, इससे व्यक्ति को जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और वैभव प्राप्त होता है। रोजाना थोड़े से लौंग शिवलिंग पे चढ़ाने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो बाधा मुक्ति के लिए भगवान शिव पे आप लौंग चढ़ाएं। अपराजिता के फूल यहीं कहीं से आपको मिल जाएं तो अपराजिता के फूल भगवान शिव पर चढ़ाने से समस्त भय का नाश होता है, समस्त दोषों का नाश होता है, समस्त पीड़ा का नाश होता है, अज्ञात भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यदि कहीं से आपको मंदार के फूल मिल जाएं तो जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, जो लोग संसार में ख्याति और यश चाहते हैं, उन लोगों को मंदार के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है, डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसे व्यक्ति को शिवालय पे, शिवलिंग पे बेलपत्र और कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, विशेषकर सोमवार के दिन। बेलपत्र, प्रिय दर्शक को, जो व्यक्ति शिवलिंग पे चढ़ाता है, बेलपत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय रहते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से, नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति समस्त पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। रविवार के दिन यदि बेल फल गंगा जल कच्चे दूध से धोकर रोली लगाकर यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र सुनिए, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का पाठ करके शिवलिंग पर चढ़ाएं तो बहुत लाभ मिलता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? जी पानीपत से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा नाम बताइए पूरा। धर्मवीर नाम है मेरा। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुदेव 45 वर्ष का हो गया। अपनी माता जी का नाम बोलिए। सुशीला देवी। बड़े प्रेम से बेटा तीन बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुदेव जी का शुक्राना, गुरुदेव जी का शुक्राना, गुरुदेव जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। बड़े अच्छे राजयोग हैं, व्यापार के बड़े सुंदर योग हैं, लेकिन बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से काफी धन की हानि खाई है और रोजगार को लेकर परेशान चल रहे हैं। बर्बाद हो गए हम तो बिल्कुल और पैसे फर्ज पे पड़े है बेटा। अर्थ पैसे फर्ज पे आगे गुरुदेव बर्बाद हो गए। व्यापार में हानि खाई है बेटा आपने? जी व्यापार बहुत था, अपना एक दुकान थी पानीपत में, एक पानीपत में शोरूम थे कपड़े के, वो सारे बंद हो गए और देव घाटा आया बहुत उसमें। और जब से हमने एक अपना पुराना घर था और देव उसे तोड़ के हमने बनाया, डेढ़ साल हम पुराने उसमें घर में रहे किराए पे, जब से हमने पुराना घर बनाया है बना के 4 साल उसमें रहे, 4-4.5 साल। जब से इतना बुरा टाइम आया जब पुराना घर तोड़ के बनाया ना उसे बर्बाद हो गए, कर्जा हो गया। अब समझ लो गुरुदेव आपकी शरण में आए हैं, आप ही कोई रास्ता दिखाओ, नहीं तो अब मरने से अलावा कुछ नहीं है। ये बताओ बेटा, अच्छा बिजनेस चल रहा था जो घर आपने बेटा आपका है जो तोड़ के नया बनाया है, उसका नंबर क्या है मकान का? 35/16। 35/16 है जी गुरुदेव। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरु जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, समस्या बेटा आपकी यहीं से शुरू हो रही है बेटा। आपको कभी भी नया मकान बेटा माफिक नहीं आएगा बेटा। आप जब से नए मकान में आप आए हो तब से समस्या आपकी बढ़ गई है। जब से आपने पुराना मकान त्यागा वहां पर बेटा आपके देवता वास करते थे, देवता बेटा आपसे रुष्ट हो गए, आपकी कुल देवी रुष्ट हो गई है। यदि बेटा जीवन में विशेष कृपा चाहते हो तो सबसे पहले बेटा अपने देवताओं को प्रसन्न करो, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करो। एक तो घर के पूर्व उत्तर कोण में आप एक बेटा मंदिर का निर्माण करो और वहां पर बेटा अपने देवी देवताओं की स्थापना करो। बेटा एक ना शाकंभरी देवी का स्थान है बेटा, नोट कर लो, आपके पूर्वज बेटा शाकंभरी देवी जाया करते थे। और मुझे लगता है आप बेटा काफी समय से वहां पर आपने जाना छोड़ दिया है। अब बहुत काफी टाइम हो गया नहीं हूँ वहाँ पे मैं। बचपन में कभी बेटा अपने पिताजी के साथ शाकंभरी देवी गए थे बेटा सहारनपुर के पास? जी जी, मैं छोटा था जब पापा के साथ गया था। उस देवी की बेटा आपके कुल परिवार पे बड़ी विशेष कृपा थी बेटा, और अभी भी बन सकती है बेटा। आप पहले तो वहाँ जाए बेटा और गुरुवार के दिन जाना बेटा, याद रखना। माँ देवी को कड़ी और चावल का बेटा भोग लगाना और वहां पर गरीबों को कड़ी चावल का प्रसाद आप बांट के आना बेटा, अपने हाथ से भंडारा करके आना वहां पर के लिए। ये उपाय बेटा अवश्य कर लीजिएगा। दूसरा बेटा आप अपने पितरों को प्रसन्न करिए, आपके पितर भी आपके देवता की तरह काम करते हैं और जिस घर में पितृ प्रकोप हो जाता है वहां पर प्राकृतिक आपदाएं आनी शुरू हो जाती है, व्यक्ति आसमान से धरती पर गिर जाता है, बने बनाए रोजगार खंडित हो जाते हैं, बने बनाए साम्राज्य बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। आपका तो बेटा बहुत ही बड़ा राजयोग है। कुछ बेटा कपड़ों से संबंधित व्यापार करते हो बेटा आप? जी जी गुरुदेव, अपना टैंक रोड पे भी है अपना शोरूम एक, वहां भी अपना अच्छा काम था, बहुत अच्छा काम चल रहा था। अभी दिल्ली वाला शोरूम चल रहा है बेटा? अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, जिस तरह से चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा। तो ये बेटा कपड़ों का होलसेल का काम करते हो? जी जी। कोई बात नहीं, काम बिल्कुल ठीक है आपका और आपका मकान भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा समस्या क्या आई है, जब आपने मकान तोड़ा
और नया मकान बनाया बेटा, वहीं पर सारी गड़बड़ हुई है, वहीं पर आपने बेटा कोई अपनी रीति रिवाज, अपना कोई नियम तोड़ा है, उसी कारण बेटा ये समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपनी बेटा पत्नी को बोलना, अपनी पत्नी को बोलना कि सुबह समस्त दोषों से मुक्ति के लिए, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए 3 रोटी उनको अपने घर में अपने हाथ से रोज बनानी है। रोटी में थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा घी डालना है और सभी रोटियों पर मलाई लगानी है। 1 रोटी गाय माता को देनी जिससे देवताओं की कृपा आएगी। 1 तोड़कर कुत्तों को डालनी जिससे शत्रु का और दरिद्रता का, घाटे का नाश होगा। 1 कौओं को डालनी इससे पितरों की विशेष कृपा मिलती है। इसके अलावा बेटा हर गुरुवार को बेटा अपने घर में शाकंभरी देवी का बेटा पूजन किया करो। माँ शाकंभरी देवी का चित्र अपने घर के पूजा के स्थान पर लगाइए। हर गुरुवार को माँ को कड़ी चावल का बेटा भोग लगाएं, इससे माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा होगी। और कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगना देवी से कि हे माँ, जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगते हैं, हमारे जीवन में खुशहाली ला दो, कृपा कर दो। और सबसे पहले तो बेटा एक बार सहारनपुर अवश्य जाइए, वहाँ पर देवी को प्रणाम करके, क्षमा याचना करके, माँ को प्रसन्न करके आइए। कुछ ही दिनों में बेटा परिवर्तन आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा बेटा एक बात का ध्यान रखना, कभी भी जीवन में किसी को अपने पैसे से शराब मत पिलाना, शराब की पार्टी मत करना। शनि से संबंधित व्यापार कर रहे हो, अगर शराब बांट दोगे, शराब की पार्टी कर दोगे तो भी बेटा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। याद रखना, जिस व्यक्ति का शनि से संबंधित व्यापार हो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी शराब नहीं बांटनी चाहिए। और एक बेटा मंत्र दे रहा हूं बेटा आपको, बहुत ही सुंदर, जिससे बेटा आपके जीवन में अत्यंत खुशहाली होगी और जीवन में बरकत आएगी, जीवन में धन आएगा। बड़े प्रेम से सुबह नहा धोकर हाथ में थोड़े पुष्प लेकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, मंत्र फिर से सुनिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके आप पुष्प लक्ष्मी नारायण भगवान को चढ़ाएं, ये उपाय करिए। और बेड पर बेटा कभी खाना मत खाना, ये याद रखना बेटा, इससे राहु का प्रकोप बढ़ जाता है, व्यक्ति गलत फैसले करता है। नियम से बेटा उपाय करिएगा, कुछ ही दिनों में जीवन में बड़े सुंदर परिवर्तन आएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े गुरुदेव जी, गुरुदेव जो आप बता रहे थे कि मूर्ति स्थापना कराना मंदिर बना के, अगर मैं आपको अपने घर में बुलाऊं तो आप मेरे घर में अपने चरण रख सकते हैं गुरुदेव? जैसे बेटा गुरु जी का आदेश आता है, हम तो आपकी सेवा के लिए बेटा अवश्य आएंगे बेटा, और जैसे आपकी इच्छा होगी उसको अवश्य। अगर मूर्ति आपके हाथ से स्थापना हो जाएगी तो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल बेटा, छोटी सी बेटा 9 इंच से कम ऊंचाई की एक मिट्टी की बेटा छोटी सी माँ दुर्गा की मूर्ति लेके आना, उसी को बेटा स्थापित कर दिया जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा अपने कुल देवताओं को, पितरों को सदैव प्रसन्न रखें। जिस घर में कुल देवताओं की कृपा रहती है, कुल देवी की कृपा रहती है, हर घर की एक कुल देवी होती है। अपने अपने घरों में मानता है, कोई माँ वैष्णो देवी को मानता है, कोई पीताम्बरा देवी को मानता है, कोई महाकाली को मानता है, और अपने अपने क्षेत्रों में देवी के बहुत से स्वरूप हैं। किसी भी स्वरूप को जो आपके पूर्वज मान रहे हैं आप उनको मानते रहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी। जल्दी बेटा ऊंचा बोलिए, बेटा ऊंचा बोलिए। अपना बेटा नाम बताओ। जी गुरु जी, आशीष मिश्रा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? प्रयागराज से गुरु जी। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरु जी 44 साल के। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मनोरमा मिश्रा। 3 बार बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। जी गुरु जी। बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो। गुरु जी शुक्राना की जय, परम गुरु जी शुक्राना की जय, परम गुरु शुक्राना जी की जय। फोन पर बेटा बने रहना।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। स्वास्थ्य का बेटा बड़ा ध्यान रखिए बेटा, राहु और बेटा बृहस्पति का प्रभाव है आपके ऊपर, बुरा बुरा प्रभाव है। आने वाले दिनों में बेटा स्वास्थ्य की दिक्कत बढ़ जाएगी बेटा, थोड़ा सा बेटा ध्यान रखो, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही बढ़ जाएंगी बेटा। अभी स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है आपको? जी गुरु जी। शुगर कितनी है बेटा आपकी? 181 है गुरु जी। 181 खाली पेट? नहीं, रेंडम है गुरु जी, खाने के बाद है गुरु जी। लेकिन फिर भी बेटा बहुत ज्यादा है बेटा। और दूसरा बेटा अपने खाने पीने का ध्यान रखो, दूध यानी चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का बेटा त्याग कर दो, जैसा कि ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, आइसक्रीम, दही, मक्खन, घी, ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी। पानी भी बेटा गर्म पिया करो, इससे चंद्रमा के दोष दूर होते हैं। दूसरा बेटा आपको 2 बराबर वजन के बेटा मोती रतन लेने हैं, जो सुच्चे मोती होते हैं। 2 बेटा बराबर वजन के सुच्चे मोती खरीद लेना बाजार से। सुच्चे मोती? हाँ, सेम साइज के होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। एक मोती बेटा दूध में रखकर सोमवार को बेटा बहते पानी में गंगा जी में प्रवाह कर देना। दूसरा मोती बेटा चांदी में बनवाकर चांदी की चेन में अपने गले में बेटा धारण कर देना। हर सोमवार को बेटा मंदिर में दूध और कच्चे चावल का बेटा दान करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको हर शनिवार को थोड़ी सी काली मिर्च मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ानी है। ये काली मिर्च बेटा सूर्यास्त के बाद चढ़ाया करो, ऐसा करने से बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। भगवान शिव की पूजा किया करो। शिव की पूजा करना और काली मिर्च को शिवलिंग पे चढ़ाने से आप स्वस्थ हो जाओगे, आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारे रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। एक बेटा आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का सदैव पाठ करना। ये मंत्र है, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का हर शनिवार को 5 मिनट का पाठ करके हाथ में जटा वाला नारियल लेके मंदिर में जाके बेटा आप शिवलिंग पे चढ़ा देना। काल भैरव की पूजा यदि महादेव के समक्ष बैठ के करोगे, उससे काल भैरव देवता की बड़ी विशेष कृपा होती है। बेड पर बैठकर कभी खाना मत खाना, रात को भूल कर भी दूध का सेवन मत करना बेटा। ये उपाय करिए, अति शीघ्र बेटा लाभ होगा और जीवन सुखमय बन जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना। प्रिय दर्शकों, कभी भी घर में 2 शिवलिंग की स्थापना ना करें, नहीं तो उससे नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे। कभी भी घर में गणेश जी के अधिक रूप ना रखें और कम से कम 3 तो बिल्कुल ना रखें। जिस घर में 1 से अधिक गणपति रहते हैं या 3 गणेश जी जिन्होंने घर पर स्थापित कर रखे हैं, वहां भी घोर कलेश हो जाएगा। गणेश जी सिर्फ 1। कभी भी घर में 2 शंख ना रखें, 1 ही शंख रखें। और कभी भी घर में 2 सूर्य की प्रतिमा ना रखें। लोग सूर्य की प्रतिमा या सूर्य का स्वरूप भी घर पे दीवारों पे लगा देते हैं, उससे भी घर में घोर अशांति कला कलेश हो जाते हैं। और कभी भी भूल कर भी घर में 2 शालिग्राम की स्थापना ना करें। शालिग्राम भी घर में 1 ही होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे घर को प्रभावित करती हैं और हमारे जीवन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ जाता है। ये चीजें हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती हैं। आजकल बहुत से लड़कियों का मन में एक वहम रहता है उनके, कि उनको किसी की नजर न लग जाए। और लड़के भी हैं ऐसे जो ये कहते हैं कि उनको नजर लग गई है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, स्त्री को हमेशा अपने बाएं पांव में काले रंग का धागा बांधना चाहिए।
और पुरुषों को दाएं पांव में काला धागा बांध के रखना चाहिए, इससे सदा ही उनकी सुरक्षा बनी रहती है, कोई नजर आए तंग टोटका उन पर नहीं चलता। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अपना पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम गोल्डन लाल पाटीदार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं एमपी से। एमपी से बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? मैं हूँ 63 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। माँ का नाम है तेज कुमार भाई। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बने रहना। हाँ। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ सुन पा रहे हैं। बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा बेटा घर में विद्यमान है। दूसरा पितृ दोष से पीड़ित हो, सूर्य का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, जिसके कारण बेटा बीमार रहते हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है। हाँ। आए दिन बेटा घर में कला कलेश होता रहता है बेटा। हाँ होता है। और बेटा अभी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा। हाँ स्वास्थ्य के हिसाब से बेटा अभी ध्यान रखिएगा, 2029 तक का जो समय है वो स्वास्थ्य के लिए बेटा बिल्कुल भी शुभ नहीं है आपके। इसमें बेटा आपको पाचन तंत्र में दिक्कत आएगी, हृदय विकार उत्पन्न हो जाएगा, नसों की दिक्कत रहेगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी और शरीर की ऊर्जा बेटा बहुत ही कम और धीमी पड़ जाएगी बेटा। आपको बेटा इसके लिए बेटा एक तो क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़े से बेटा केतु के उपाय करने हैं। कुत्ते को रोज दूध पिलाओ। रोज बेटा अपने हाथ से थोड़ा कुत्ते को रोज दूध पिलाना है। हर रविवार को मंदिर में बेटा थोड़ी सी गेहूं दान करो, कम से कम 400 ग्राम गेहूं लेनी है और उसको लाल कपड़े में लपेट के बेटा मंदिर में जाके दान कर दिया करो। सूर्य देवता को बेटा जल देना है आपने। और एक बेटा मंत्र दे रहा हूं जिससे बेटा आपको लाभ मिलेगा। मंत्र से पहले बेटा एक प्रयोग करना है, दो तांबे के सिक्के ले लेना बेटा, दोनों सिक्के सुराख वाले होने चाहिए, छोटे बड़े सिक्के ना हो, एक जैसे सिक्के होने चाहिए। मंगलवार के दिन बेटा एक सिक्के को शहद का तिलक लगाकर बहते पानी में प्रवाह कर देना और दूसरे सिक्के को लाल रंग के धागे में अपने गले में बेटा धारण कर लेना। और एक मंत्र दे रहा हूं आपको, इस मंत्र का आपको नियमित पाठ करना है बेटा, कम से कम 5 मिनट के लिए सुबह। ये मंत्र है, ओम श्री हनुमते नमः। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का बेटा नियमित पाठ करना और हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में मंदिर में जाके एक पानी वाला जटा वाला नारियल आपको रख के आना है। ये उपाय बेटा करिएगा और घर में आपके सुख शांति रहे। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा एक दीपक आपको नित्य जलाना है। ये प्रक्रिया बेटा आज से ही शुरू कर देना, इससे आपके घर में कला क्लेश बेटा समाप्त हो जाएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी। और थोड़ा सा बेटा 7 प्रकार का अनाज बेटा कबूतरों को पक्षियों को रोज डाल दिया करो। सच्चे मन से उपाय करना बेटा, आप पर गुरुओं की बड़ी विशेष कृपा रहेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। बोलो बेटा। हाँ 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना।
प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन में आप यदि परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं तो सुबह जब उठते हैं, उठते ही 3 बार शुक्राना अवश्य बोलें। रात को सोने से पहले भी कम से कम 3 बार शुक्राना अवश्य बोल के सोएं। ये ऐसा शब्द है, ये ऐसा दिव्य मंत्र है, साक्षात गुरु जी की अनुभूति, उनकी कृपा आपको महसूस होगी, आप प्राप्त कर लेंगे। और जीवन में इस उपाय से, इस मंत्र से समस्त ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और नहा धोकर ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र को पकड़ लीजिए। ये ऐसे दिव्य मंत्र हैं, ये ऐसे शब्द हैं जिससे जीवन को एक ऊर्जा प्राप्त होती है, लोक परलोक का सुख व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। गुरुदेव हरिओम, प्रणाम, नमस्कार। आपका बेटा कल्याण हो, सदा स्वस्थ रहिए। जल्दी से नाम बताओ बेटा। सर्वेश शुक्ला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुदेव आपका शिष्य हूँ, अभी मनाली में हूँ, मनाली में रहता हूँ पिछले 8 साल से। अच्छा बेटा, नाम बताइए बेटा अपना। गुरुदेव प्रवेश शुक्ला, आपसे मिला भी था मैं। अच्छा, कितने वर्ष के हो गए हो? मैं गुरुदेव 38। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। जी गुरुदेव, ममता नाम है मेरी माता जी का। बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का 3 बार बेटा शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप बेटा? जी प्रभु जी, सुन रहा हूँ। थोड़ा बेटा अभी रोजगार का ध्यान रखना, कुछ बेटा नुकसान खाया आपने। गुरुदेव मैं, 2 होटल हैं आपकी कृपा से मनाली में मेरे, और आपकी सेवा में मैं आया भी था पिछले लगभग 2018 में, तभी मैंने आपकी शुरुआत की थी। तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गुरुदेव पिछले साल 3 होटल और खरीदे, उनके साथ में बहुत बड़ा काम किया, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, पार्टनर हैं जिनके साथ शुरुआत की थी, उन्होंने गुरुदेव बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अब क्या करूँ, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो गई है। पहले तो बेटा ये बताओ, जब तक अकेले काम करते थे तब तक बढ़िया था नहीं था? बहुत आपकी, मैं कह रहा हूँ आपकी कृपा का तो तोड़ ही नहीं है, मैं आपकी कृपा के बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत अच्छा आनंद था, मैंने आपके कहने पे ही अकेले काम शुरू किया था। फिर आप जब आपको जब आपको अकेले काम करने के लिए कहा गया था तो उसके बाद आपने पार्टनरशिप क्यों की बेटा ये बताओ? मेरे से मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुदेव, गलती हो गई, मैंने जो है पार्टनरशिप में शुरुआत कर दी, आपकी बात का उल्लंघन कर दिया, बस आप मुझे बचाओ। इसको यही कहते हैं बेटा विनाश काले विपरीत बुद्धि, आदमी अच्छा संपन्न है, खा पी रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको बेटा कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। जब आपका काम अपना अकेला चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, बरकत हो रही है,
फिर बेटा आपने ये काम नहीं करना था बेटा, और अभी भी बेटा आपको सावधान कर रहा हूँ, पार्टनरशिप के अंदर बेटा अपना सब कुछ गंवा दोगे, बाद में मत कहना मुझे। ओहो, समझ गए? आपने मुझे मना किया था गुरुदेव, मैं माना नहीं, मेरी गलती है। जो भी नुकसान खा बैठे हो बेटा, जो 3 होटल लग से जो भी आपने मिलके बनाया उसको बेटा बिल्कुल उससे अलग हो जाओ आप। और गुरुदेव उसने मुझे वो निकाल दिया, उनसे मेरा केस चल रहा है, उनके साथ में भी कोर्ट केस चल रहा है। बहुत अच्छा कर दिया, ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि नुकसान खाकर अकल आ गई आपको। लेकिन आगे बेटा आप ध्यान रखना, अपना ही काम करना है, होटल चाहे 2 चलाओ चाहे 4 चलाओ, लेकिन काम अपना, कभी भूल कर भी हिस्सेदारी काम मत करना, नहीं तो बेटा हमेशा धोखा खाओगे, क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति हो, आपके पेट में थोड़ी बात कम पसती है, दूसरों से जल्दी प्रभावित हो जाते हो। और अपनी पत्नी की बात माना करो बेटा, अपनी पत्नी की बात माना करो, पत्नी की बात भी नहीं मानते हो। नहीं, उन्होंने भी बहुत समझाया था कि गुरुजी मना कर रहे, मत शुरू करो इनके साथ पार्टनरशिप में। मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, फिर मैं करता चला गया, मेरी पता नहीं कहां दिमाग घूम गया। चलो बेटा, अब आपका इस वर्ष बेटा अति शीघ्र निपटारा होगा, और एक बेटा बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रहा हूँ जिससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा बेटा। एक तो आने वाले बेटा शनिवार को आपको एक बेटा शराब की बोतल लेनी है, ठीक है जी, और उसको बेटा नदी में खोल के बेटा शराब को प्रवाह कर देना, ढक्कन खोल के उसको बहा देना, खोल के, ठीक है। दूसरा, आने वाले बुधवार के दिन 4 किलो कच्चा कोयला, 4 किलो जौ, ये आपको बेटा विसर्जन करने हैं, बहते पानी में विसर्जन करना है इसका, ठीक है जी, कर दो। एक बेटा गोमेदक रतन ले लीजिए, उसको कम से कम बेटा 10-11 रत्ती वजन का, थोड़े बड़े साइज का लेना, उसको चांदी में बनवा के बेटा अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर के अंदर बेटा आप चांदी में बनवा के बुधवार को सूर्यास्त के बाद बेटा भगवान शिव के मंदिर में खड़े होके शिवलिंग का स्पर्श करवा के आप उसको बेटा धारण कर लेना। और दूसरा, आप अपने होटल जहां पर हैं और अपने घर पे माँ दुर्गा जी के बेटा स्वरूप की स्थापना करें, रोजाना बेटा घर और होटल में देसी घी का दीपक जलाना है, हाथ में एक लाल रंग का पुष्प लेके एक मंत्र का पाठ करना है बेटा कम से कम 7 बार। ये मंत्र है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। इस मंत्र का 7 बार पाठ करके आप लाल पुष्प माँ दुर्गा जी को चढ़ाएं, और एक 27 कमल गट्टे के दाने लेके आना, चंदन का इत्र लगाकर लाल कपड़े में, चमकदार कपड़े में बांध कर बेटा अपने घर की तिजोरी में आने वाले शुक्रवार को स्थापित कर देना। रात को दही बिल्कुल नहीं खानी बेटा, गाय कौवा कुत्ते के लिए बेटा भोजन रोज निकालना, और अपनी पत्नी को बोलना कि रोजाना 1 कटोरी बेटा साबुत मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के रखनी है, और उसको सुबह बेटा कबूतरों को पक्षियों को रोज डालना है। ये उपाय करिएगा, आपका व्यापार खूब चलेगा, व्यापार खूब बढ़ेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़े प्रेम से मेरे परम गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव, सदा कल्याण। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अकेले काम फलता है, यदि वो लोग पार्टनरशिप में काम कर लें तो बर्बादी निश्चित है। जिस व्यक्ति के 7वें घर में शनि विराजमान है, जिस व्यक्ति के 7वें घर में सूर्य विराजमान है, जिस व्यक्ति के 7वें घर में मिथुन राशि का या वृषभ राशि का राहु विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। और किसी व्यक्ति के लिए पार्टनरशिप अनिवार्य हो, जरूरी हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के नाम से पार्टनरशिप करनी चाहिए, यानी पत्नी को ही अपना पार्टनर बना लेना चाहिए, उसमें कभी हानि नहीं होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी मैं जम्मू से बात कर रही हूँ। अपना बेटा पूरा नाम बताएं मुझे। हम गुरुजी पूनम कुमारी हैं। जी कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 56 गुरुजी। अपनी माताजी का नाम बोलिए। श्रीमती आशा रानी।
बड़े प्रेम से बेटा परम गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुजी। एक तो बेटा सबसे पहले बेटा अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का बड़ा खास ध्यान रखें बेटा। जी। अभी स्वास्थ्य खराब चल रहा है बेटा आपका? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन बेटा मुझे थोड़ी ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है बेटा। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाइए। 24 और जो 25 का वर्ष है, विशेषकर इस वर्ष अक्टूबर से लेके आने वाले 18 महीने स्वास्थ्य को लेकर बेटा अचानक दिक्कत बढ़ेगी बेटा। चलने फिरने में दिक्कत आएगी, श्वास रोग की दिक्कत आएगी, एलर्जी हो जाएगी, नसों की दिक्कत आएगी, पैरों में पीठ में दिक्कत आ जाएगी बेटा। घर में बेटा ज्यादा घुटनों में मुझे प्रॉब्लम है गुरुजी। हाँ, पैरों में, घुटनों में, पीठ में, कमर में दिक्कत बढ़ेगी। घर में बरकत भी नहीं हो पाएगी बेटा। पति का क्या हाल है आपके बेटा? वो भी थोड़े ऐसे ठीक नहीं है गुरुजी। अभी अपना अपनी अभी कार्य कर रहे हैं बेटा? जी गुरुजी। कार्य ठीक चल रहा है? वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक चल रहा है। ठीक चल रही है। पति को बेटा एक काम करना, उनको ये अवश्य बोलिएगा सूर्य की पूजा किया करें। जी गुरुजी। सूर्य को जल देना बहुत ही अनिवार्य है बेटा। सूर्य की पूजा करना और सूर्य का दान करना आपके पति के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके करियर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा बेटा, जिससे आपके पति तंदुरुस्त रहेंगे, हस्तपुष्ट रहेंगे। और आपको बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहे। एक तो बेटा सबसे पहले बेटा दूध का दान करना शुरू कर दीजिए। सोमवार के सोमवार बेटा मंदिर में थोड़ा दूध का दान अवश्य किया करें बेटा, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और हर शनिवार को एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी जौ और एक मुट्ठी काले तिल, ये मिक्स करके बेटा इसको शनिवार को मंदिर में जाना है, उसको बेटा शिवलिंग पे चढ़ाना है आपको। ये ऐसा उपाय है बेटा, इससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। परिवार, बच्चे, पति सब समृद्ध हो जाएंगे, सभी खुशहाल हो जाएंगे, सबके नौकरी करियर बनने लग जाएंगे, सबको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और परिवार के सभी लोग गजेंद्र मणि कवच बेटा अवश्य पहनना बेटा। ये गजेंद्र मणि एक रत्न होता है, इससे राहु का प्रकोप समाप्त हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। आप ये उपाय करिएगा, अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पति की तरफ से कभी भी कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। और एक अंतिम उपाय दे रहा हूं बेटा, ये मंत्र एक आपको छोटा सा दिया जा रहा है, इस मंत्र का आप नियमित पाठ करना, जिससे आपके पूरे परिवार में सदा देवताओं की कृपा बनी रहेगी। ये मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। थोड़े से पीले पुष्प हाथ में लेके देसी घी का दीपक जला के हर दिन सुबह नहा धोकर बस 5 मिनट के लिए इस मंत्र का पाठ करके जगदम्बे माँ को, दुर्गा को ये पीले पुष्प चढ़ा देना बेटा। और गुड़ का भोग लगा के गुड़ से मुंह मीठा करना जी। ये उपाय करिए, चारों तरफ से खुशहाली आएगी बेटा। परम गुरुदेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा सुखी रहिए। प्रिय दर्शकों, एक बात का बड़ा ध्यान रखना, यदि आप एक प्रयोग कर लें सुबह, तो कोई भी अरिष्ट, कोई भी संकट आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला। सुबह नहा धोकर
पांच दाने काली मिर्च के अपने हाथ में रखे, आपको तीन बार ओम 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 बोलना है। ये दाने आपको अपने लेफ्ट हैंड में रखने हैं, हथेली पर, लेफ्ट हैंड की हथेली पर। एक दाना उठाना है आपको, उसको अपने पीछे की तरफ फेंकना है, दूसरा दाना उठाएं अपने राइट की तरफ फेंक दें, तीसरा दाना अपने लेफ्ट की तरफ फेंक दीजिए, चौथा अपने सामने की तरफ, और पांचवा आप ऊपर उछाल दीजिए अपने सिर की तरफ। ये इतना छोटा सा प्रयोग है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कर लेगा, कोई किसी प्रकार का उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। उसके बाद आप घर से बाहर चले जाएं, आप गाड़ी पे जाएं, स्कूटर पे जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, कहीं भी घर से बाहर जाएं, यात्रा पे निकलें, ये ऐसा दिव्य प्रयोग है, दसों दिशाओं से आप पर कृपा होगी, आप सुरक्षित रहोगे। इस उपाय को करने से एक अभेद कवच सा प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, जिससे सभी कार्य बनने भी शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से मार्ग खुल जाते हैं, व्यक्ति सुरक्षित घर से जाता है और सुरक्षित ही वापस लौटता है, बाल भी बांका नहीं होता। ये करना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, गुरुदेव। बेटा आपका सदा ही कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं नैनीताल से बात कर रही हूँ गुरुदेव। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद आपको, खुश रहिए। और नैनीताल में तो बेटा बहुत अच्छा मौसम होगा इस समय। जी गुरुदेव। अपना पूरा नाम बताएं मुझे। वैष्णवी झा बात कर रही हूँ गुरुदेव। कितने वर्ष के हो गए हो? 28 साल की हो गई हूँ गुरुदेव। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए बेटा। संतोषी झा। बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का तीन बार बेटा शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरुदेव। अभी तक बेटा काफी परेशान चल रहे हो बेटा, आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी नहीं हो रही है। जी गुरुदेव। संतान का सुख नहीं मिला अभी तक। जी गुरुदेव। पहले तो ये बताओ, रात को ढंग से सोते हो? गुरुदेव डरावने सपने आते हैं। क्या देखते हो स्वप्न में बेटा? किसी मरे हुए व्यक्ति को। क्या ऐसा एक से अधिक बार हो चुका है बेटा? जी गुरुदेव। घर के आसपास बेटा कोई खाली जमीन या कोई खाली प्लॉट तो नहीं पड़ा बेटा कोई? है गुरुदेव। है पड़ा? हाँ जी गुरुदेव। आपको बेटा सुबह जब उठते हो तो आंखों में भारीपन और दर्द रहता है? जी गुरुदेव। आपको बेटा अब एक उपाय करना है जिससे बिल्कुल भी दुर्स्वप्न, बुरी चीजें आपको दिखनी बेटा बिल्कुल बंद हो जाएंगी देखना। सबसे पहले बेटा पंसारी की दुकान पे जाइए आज ही। वहां से बेटा थोड़ी जटामासी, थोड़ा गूगल, थोड़ा लोबान, थोड़ा हरमल, कपूर और पीली सरसों लेकर आना। इन सभी को बेटा मिक्सर करके, मिक्सर में बेटा इसका मिश्रण बना लेना। रोजाना बेटा संध्या काल में या रात्रि को सोने से पहले आपको एक छोटा सा गोबर का उपला लेना है, उसको बेटा उस पे कपूर रखकर उसको जलाना है, और एक चम्मच ये मिश्रण जो मैंने आपको बताया है
ये उस पर डालकर उसकी धुनी बेटा अपने कमरे में अपने पूरे घर में दे दीजिएगा। इसके अलावा बेटा थोड़ा सा लोबान अलग से लेकर आना है आपको बेटा पंसारी की दुकान से, 500 ml यानी आधा लीटर। एक आपको बेटा सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल को गर्म करके उबालिए, उसके बाद उसको आंच से उठा के नीचे रख दीजिए और जो लोबान होगा उसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर में वो लोबान उसमें तेल में घुल जाएगा। उसके बाद वह लोबान वाला तेल किसी कांच की शीशी में डाल के अपने घर में रख लीजिए। उसका एक दीपक सुबह, उस तेल का एक दीपक शाम को घर में रोज जलाना है। एक तो ये उपाय करना है बेटा आपको। दूसरा बेटा अपने घर के मुख्य द्वार पर एक 9 इंच लंबा बेटा लोहे का त्रिशूल बनवा लीजिए। शुक्रवार की रात को एक थाली में रखकर सरसों का तेल डाल के उसको छोड़ दीजिए। शनिवार को काले कपड़े से साफ करके घर के मुख्य द्वार पर उसको काले धागे से बांध दीजिए बेटा। और एक मंत्र दे रहा हूं, सुबह उठने के बाद नहा धोकर और रात को ठीक सोने से पहले आपको इस मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम त्रिशूलाय नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए मंत्र, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का पाठ करना महादेव का ऐसा अमोघ शक्तिशाली मंत्र है कि त्रिदेव की त्रिशूल की शक्ति आपके सभी भय का नाश कर देगी। कोई भी बुरी चीज, कोई आकृति आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अब बात करते हैं बेटा संतान का सुख। कितने बेटा 5-6 साल तो शादी को हो गए होंगे आपके? 5 साल हो गए हैं गुरुदेव। अब संतान का सुख चाहते हो? ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख है, लेकिन आपके परिवार में पितृदोष है बेटा, याद रखना। पितृदोष के कारण ही संतान के सुख में बाधा आ रही है। आप डॉक्टर के पास चले जाइएगा, डॉक्टर आप लोगों की पति पत्नी की सारी रिपोर्टें सही बताएंगे। कभी चेक करवाया? जी गुरुदेव। रिपोर्ट ठीक आई? जी गुरुदेव। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मेडिकल भी आपको हरी झंडी दे रहा है कि आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो रही है। तो उसके लिए बेटा आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। रोजाना बेटा मंदिर में जाया करें, थोड़ा सा पंचामृत और थोड़ा बेलपत्र, थोड़े लाल रंग का सिंदूर लगा के बेलपत्रों पर आप उसको शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पति पत्नी दोनों को सूर्य की पूजा करनी है। सूर्य पुत्र प्रदान करता है, संतान में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। पति पत्नी दोनों को सूर्य को जल देना है, तांबे कलश में लाल चंदन डालकर, और कृतिका नक्षत्र में बेल का पेड़ ढूंढ लीजिए। बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल लेकर आनी है, उस मूल के 2 टुकड़े करके गंगा जल, कच्चा दूध, रोली का तिलक लगाकर 2 तांबे के ताबीजों में डालकर लाल धागे में पति पत्नी दोनों रविवार के दिन या कृतिका नक्षत्र के दिन आप गले में धारण करिए। और किसी वृद्ध सन्यासी बाबा को, किसी ऋषि मुनि को, किसी वृद्ध ब्राह्मण को घर बुलाकर 5.5 मीटर लाल रंग का चोला वस्त्र का दान करके उसे अनार के फल दान करें, उसे घर पे भोजन खिलाएं, उसका आशीर्वाद ले लीजिए। यह प्रयोग आपको करना है। अवश्य ही आपको संतान की उत्पत्ति का अति शीघ्र योग बनेगा। कोई किसी प्रकार की कभी भी बाधा नहीं आएगी और इसी वर्ष आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। ये प्रयोग करिएगा। घर में पूजा के स्थान पर बाल गोपाल की स्थापना करें और उस बाल गोपाल की रोजाना पूजा करें। और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात। इस मंत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बड़ा ही दिव्य फल मिलेगा और अति शीघ्र सुंदर संतान के योग बन जाएंगे बेटा। सदा गुरुओं की कृपा बनी रहे, परम गुरुदेव आपकी इच्छा को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। देखना सच्चे मन से बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा।
शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, जो प्रिय भक्त संतान का सुख चाहते हैं वो अपने घर में बाल गोपाल की अवश्य स्थापना करें। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की घर पे स्थापना करने से घर में संतान का आगमन अवश्य होता है। कुछ चीजें भाग्य में ना होने के कारण भी देवताओं की विशेष कृपा से, उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के मनोरथ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये हमने चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं कि आपके भाग्य में नहीं है कुछ भी, किसी भी कारण आपके जीवन में संतान की बात आ रही है तो आप अपने घर में बाल गोपाल की स्थापना करें, बाल गोपाल की पूजा करें और जो भी मंत्र दिया जा गया है उस मंत्र का पाठ करें। ये मंत्र भगवान विष्णु जी का, बाल गोपाल जी का बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। इसका पाठ करने से ही व्यक्ति के जीवन में संतान के सुंदर योग बन जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। गुरु जी, हेमा सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जम्मू से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र है गुरु जी 29। अपनी माँ का नाम बोलिए। श्रीमती अनीता सिंह। तीन बार बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन पर बने रहना। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो आप? जी गुरुजी। गुस्सा भी आता है ज्यादा बेटा? हाँ जी। गुस्सा मत किया करो बेटा, आप पर सूर्य और मंगल का प्रभाव है। गुस्सा शांत करो, 25 मिनट रोज मौन बैठो, गुस्से पे काबू कर लोगे। सुबह जब स्नान करते हो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान करना शुरू कर दीजिए, शांत हो जाओगे। मंदिर में सोमवार को जाकर 3 बार शुक्राना बोलकर कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाए, बहुत जीवन में आनंद आएगा। अभी तक बेटा विवाह का सुख नहीं मिला आपको? नहीं गुरुजी। चाहते हो अति शीघ्र विवाह हो जाए? जी गुरुजी। अति शीघ्र बेटा आपका विवाह हो जाएगा। आपको एक बड़ा ही दिव्य मंत्र दे रहा हूँ बेटा। आपको थोड़े से बेटा सफेद पुष्प लेने हैं, थोड़ी सी मिश्री हाथ में रखनी है और अपने घर में बेटा एक देसी घी का दीपक जला के थोड़ा उसमें लाल चंदन डाल देना दीपक में, और हाथ जोड़ के बेटा आपको एक मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम सृष्टि कर्ता मम दिवा कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुनिए, ओम सृष्टि कर्ता मम दिवा कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए, ये ऐसा दिव्य मंत्र है, मात्र 41 दिन में ही आपको इसका भरपूर फल मिलेगा। ओरिजिनल पीताम्बरी पुखराज आपको अपने गले में धारण करना है और आपको बेटा शुक्र सूर्य और थोड़ी मंगल की योग्य विद्वान से शांति करवानी है। ये उपाय कर लेना और रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाएं, हर गुरुवार को मंदिर में केले दान करें, रोजाना गायें कौवा कुत्ते के लिए रोटी अवश्य निकालें अपने हाथ से, आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। इसी वर्ष बहुत धूमधाम से विवाह होगा बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए बेटा। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप भी अपनी समस्याओं के हेतु गुरु जी के चरणों में अर्जी लगा सकते हैं। अपना नाम 3 बार शुक्राना लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर भेज भी सकते हैं। यदि अपने जीवन की संपूर्ण पीडीएफ फाइल, 72 पेज की आपको पीडीएफ फाइल भाग्य दर्पण पत्रिका चाहिए, जिसमें जीवन के संपूर्ण फल, संपूर्ण भविष्यवाणी, जीवन में क्या क्या दोष हैं, आपके घर में क्या दोष है, आपके जीवन में कौन से दोष हैं, किन दोषों का क्या उपाय करना है, यदि पितृ दोष है तो किन ग्रहों पर पितृ दोष है, ऋण कौन कौन से हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको हमारी भाग्य दर्पण पत्रिका में प्राप्त होती है। लाखों व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित और सुखमय बना चुके हैं भाग्य दर्पण पत्रिका प्राप्त करके। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। मात्र 30 से 40 मिनट के अंदर ही
आपकी पीडीएफ फाइल आपके फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप जीवन में यदि दुख पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है, आपके काम नहीं बन रहे हैं तो उसका क्या कारण है, कौन सा ग्रह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, किस कारण आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, किस कारण आपके बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, क्यों आपके घर में रोग हैं, क्यों बीमारी हैं, शत्रु क्यों पीछे पड़े हैं, तंत्र बाधा के भी योग होते हैं, कुछ ऐसी गृह स्थितियां बन जाती हैं कि घरों में तंत्र बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, गुप्त शत्रु पीछे लग जाते हैं, तंत्र बाधा के कारण व्यक्ति का भाग्य पीड़ित हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार आप हमारे इस कार्यक्रम को लोकप्रियता प्रदान करे रखें, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने हमारे इस कार्यक्रम को अत्यंत लोकप्रियता प्रदान की है। आज के लिए इतना ही, मैं परम गुरुदेव को प्रणाम करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब प्रभु दरबार में आए हैं और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है, जो अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है यह समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की पीडीएफ फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109, 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।